this video, we are going to tell you how to manage time in IELTS writing. हमने देखा है काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है राइटिंग के टाइम मैनेजमेंट में, या तो वो टास्क वन छोड़ाते हैं या वो टास्क टू छोड़ाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वाइजली अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे और कैसे आप अपनी प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ टास्क वन एंड टास्क टू भी लिखाएंगे। सबसे पहले जब हमें IELTS राइटिंग क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपने टास्क वन को 3 times एंड टास्क टू को 5 times पढ़ना है। अब आप कहेंगे हम इतनी बार टास्क वन और टू को क्यों पढ़ें? क्योंकि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि टास्क में आपको करना क्या है। सबसे पहले जिन कैंडिडेट से टाइम मैनेज नहीं होता वो टास्क टू से ही स्टार्ट करें। वाई टू स्टार्ट विद टास्क टू? उसका रीजन ये है कि टास्क टू का स्कोर टास्क वन से डबल है, और दूसरा उसमें मिनिमम 250 वर्ड्स आपको लिखने और टास्क वन में 150। देयर आर चांसेस दैट यू कैन कंप्लीट टास्क वन इन 10 मिनट्स बट यू कांट कंप्लीट टास्क टू इन 10 और 15 मिनट्स। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद टास्क टू। लेकिन याद रखें टास्क टू की शीट अलग है, तो आपको टास्क टू उस शीट पे स्टार्ट करना है। 5 times अपना ऐसे टॉपिक पढ़ना है। क्यों 5 times? क्योंकि अगर आप क्विकली उसको स्टार्ट करते हैं तो समटाइम व्हाट हैपेंस, आपने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ते ही शुरू कर लिया, क्वेश्चन उसके नीचे है। फॉर एग्जांपल, डू यू अग्री डिसएग्री, और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। आपने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ी कि स्टेटमेंट है किस बारे में, स्टेटमेंट है हिस्ट्री के बारे में, म्यूजियम, और आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री म्यूजियम पे लिखना, क्वेश्चन कुछ और था। अभी जैसे जनवरी 2021 में एक टॉपिक आया था कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सुधारने के लिए प्रिजन सॉल्यूशन है या एजुकेशन, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट रिहैब, कि उनको पढ़ाया जाए क्रिमिनल्स को। अगर आप रैंडमली विदाउट रीडिंग द स्टेटमेंट उसके बारे में लिख के आ जाते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया उसने क्या लिखा था, एंड शी हैज स्कोर्ड 7 इन अदर मॉड्यूल्स बट इन राइटिंग शी हैज स्कोर्ड 5.5, and when I came to know what she has written, even I have told her to go for re-exam rather than EOR. The reason was she has written off topic. She has written that the educated people can also be criminals. So now she did not understand the topic. The reason was she quickly started after reading the statements. So you should not do it. What you can do, read it 5 times. I think this is the best solution. 5 times जब आपने पढ़ा तो ये आपको पता चल गया what they are exactly asking. और statement के नीचे हमेशा question होता है students, तो हमेशा याद रखना वही question को आपको answer करना है, ना कि सिर्फ statement पे ही लिख के आ जाना है। उससे क्या होगा, आपका score बहुत कम आएगा। अब आप देखिए, जैसे ही आपने 5 times स्टेटमेंट पढ़ी तो उस पर आप जब लिख के आए, एग्जैक्टली आपने अपने आंसर में वो लिखा जो क्वेश्चन में था, एंड दैट आल्सो विद एग्जांपल्स, ऑफ कोर्स यू विल स्कोर मोर इन दैट। अब व्हाई आई हैव सेड यू शुड राइट टास्क टू फर्स्ट? अब जिससे टाइम मैनेज नहीं होता, जिसको प्रॉब्लम आती है, आप देखो आपने पहले स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपने उसको प्लानिंग किया, बिकॉज आपको पता है कोहेजन कोहेरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आपने क्या किया, प्लानिंग की, दिस विल बी इंट्रोडक्शन, दिस विल बी कंक्लूजन, दिस विल बी बॉडी पार्ट। अब आपने क्या किया, पहले टॉपिक पढ़ा उसके बाद आपने प्लानिंग की। इट टेक्स 2 to 3 minutes, समटाइम 5 minutes। इट्स बेटर टू प्लान, बिकॉज इफ यू वोंट प्लान मे बी द वट एवर यू हैव रिटन इन द फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। सो इट्स बेटर टू गो फॉर प्लानिंग। Start task 2 first, plan it, start it, then after writing, always proofread your answer. जब आपने प्रूफ रीडिंग कर ली, आपने अपनी गलतियां खुद ही पहले निकाल ली। अब इसमें अगर आपको, आपको पता है कितना टाइम मिलता है आपको, 40 minutes। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम भी लग गया और आपने 45 minutes में विद प्रूफ रीडिंग टास्क 2 फिनिश कर लिया, तो भी आपके पास 15 minutes होंगे फॉर टास्क वन। टास्क वन इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन 15 minutes में वो कंप्लीट हो सकता है। रीजन उसमें क्या है, डेटा कंपैरिजन, डेटा एक्सप्लेनेशन,
एंड वो आपको जब फॉर्मेट पहले से ही पता होगा तो आप क्विकली 10 मिनट्स में अपना टास्क 1 कंप्लीट करके प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं। इन केस आपने कंप्लीट नहीं भी किया तो भी आप प्रॉपर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन लिख दिया, ओवरऑल ओवरव्यू। हम टास्क 1 में आपको सेकंड पैरा में ओवरव्यू लिखने को इसीलिए कहते हैं, इन केस आपके पास टाइम कम है तो आपने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे दिया है। अगर आप उसके बाद एक या दो पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर या कंपैरिजन कर देते हो तो आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप टास्क 1 पे 30 मिनट्स लगा के टास्क 2 पे जाते हो तो आपके पास बहुत कम टाइम रह जाता है, फिर आप ना तो कंक्लूजन कर पाते हो कंप्लीट और ना ही आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर पाते हो। विदाउट प्रूफ रीडिंग राइटिंग कंप्लीट करना आपकी फेवर में नहीं है, क्योंकि जब आप खुद से चेक करते हैं अपनी राइटिंग, हाफ मिस्टेक्स आप खुद ही निकाल लेते हो। तो बेटर क्या है, टास्क 2 पहले करें, प्रूफ रीडिंग करें, फिर टास्क 1 पे जंप करें, टास्क 1 क्विकली कंप्लीट करें क्योंकि उसमें डाटा कंपैरिजन और डाटा एक्सप्लेनेशन है। तो जब आप अपना कंपैरिजन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो इन केस उसकी प्रूफ रीडिंग रह भी जाती है तो भी आपकी राइटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन। आइल्स में अगर आप कंक्लूड नहीं करते तो आपका स्कोर कम आता है, बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता व्हाट वाज योर एक्चुअल व्यू ऑन दैट टॉपिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कंक्लूजन। इन टास्क 1 यू कैन राइट इन सेकेंड पैरा, बट इन टास्क 2 यू हैव टू राइट इन द एंड। So this is the reason we suggest to go for task 2 first. ये सिर्फ उन students के लिए जिनसे time manage नहीं होता। जो लोग time manage कर लेते, they should go for task 1 first. हम किसी भी task को दोनों में से कम नहीं कह रहे, पर ये है कि उसमें ज़्यादा words हैं, score double है, इसीलिए we suggest to go for task 2 first. क्योंकि मैंने ऐसे cases भी देखे हैं कि candidates ने क्या किया, 35 to 40 minute task 1 पे लगा दिए। अब उनके पास देखिए 20 मिनट्स फॉर टास्क 2, वेयर यू हैव टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स, यू हैव टू राइट प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एंड योर व्यू पॉइंट, एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन 20 मिनट्स, एंड व्हेन यू डू इट इन हरी ऑफ कोर्स यू स्कोर लेस। टू स्कोर मोर इट्स बेटर टू मैनेज टाइम इन राइटिंग। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप राइटिंग टाइम मैनेज कैसे करें। ये हमारी सिर्फ एक सजेशन है, बाकी आप अपनी तरह से भी देख सकते हैं हाउ टू मैनेज टाइम वेल व्हाइल प्रैक्टिसिंग। इन मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।